जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हमने एनडीए 1 और सीडीएस 1 2025 के जो फ्री बैचेस स्टार्ट किए हैं उसमें मैं आपकी जीएस पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको पार्ट 1 स्टार्ट कराया था। पार्ट 1 हमने कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा था, दैट वॉज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमने पार्ट 1 के 4 आर्टिकल्स भी कवर करे थे लास्ट क्लास में। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी इसके बाद मैं पार्ट 2 पे पहुंच गया था, तो पार्ट 2 वाज सिटीजनशिप। हमने पार्ट 2 सिटीजनशिप में कुछ आर्टिकल्स भी डिस्कस करे थे, आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8, आपको याद हो। अगर कोई पहली बार ही मेरी वीडियो देख रहा है तो आप ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल में जाकर के हमारे वीडियो सेक्शन में ही पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप लास्ट लेक्चर आप उसको एक बार देखिए। तो मैंने उसमें आपको पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था और पार्ट 2 सिटीजनशिप में आर्टिकल 5, 6, 7, 8 मैंने ये आपको डिस्क्राइब करे थे, और उसके बाद मैंने कहा था कि इसके सेकंड पार्ट में आपका अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। बच्चों देखो, मैं आपको एक ब्रीफ दोबारा से समझा रहा हूं। सिटीजनशिप के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज, अगर कोई कंट्री फॉर्म होती है तो कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो राइट्स हैं वो राइट्स अवेलेबल होते हैं किसको? आप कहेंगे टू द सिटीजन्स। तो ये बहुत जरूरी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आखिरकार उस देश के नागरिक कौन हैं, कौन उस देश के नागरिक कहलाए जाएंगे। तो सिटीजन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दैट्स वाई पार्ट टू की अगर हम बात करते हैं, जहाँ तक पार्ट टू में भारत के संविधान के इस चैप्टर में सिटीजनशिप के बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ 26 जैन 1950, यानी कि हमारे संविधान के लागू होने के समय, कौन कौन भारत का नागरिक कहलाया जाएगा, यानी कि कौन कौन इस समय भारत का नागरिक है। ठीक है, ये केवल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट की बात करता है, और उसमें आर्टिकल 5 to 11 मेंशन है, 5 to 11, जिसमें मैंने 5, 6, 7 और 8 आपसे डिस्कस करे थे। ठीक है, आपको एक दोबारा चाहते हैं तो मैं एक दोबारा ब्रीफ कर देता हूं। देखो, इसमें आर्टिकल है 5 to 11। ठीक है, ये बात हो रही है एट द टाइम ऑफ 26 जैन 1950। आर्टिकल 5 हमने बात करा था डोमिसाइल, जिसका मूल निवास, जिसका डोमिसाइल भारत का, और प्लस या वो भारत में जन्मा, पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, या पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। आर्टिकल 6 में हमने बोला था द पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जब भारत दो भागों में बटा, दो देश बने, तो पाकिस्तान वाली भूमि से भारत आने वाले लोगों के लिए हमने प्रावधान किया 6 में। 7 में हमने बोला 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए और बाद में फिर रिटर्न हुआ, इंडिया रिटर्न करे, उनके लिए हमने 7 में, और 8 में जो हमने बात करी थी आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यहां मैं लिख देता हूं पाकिस्तान से इंडिया, और यहां पर भी पाकिस्तान से इंडिया, पर दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? इसमें इंडिया से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से इंडिया, यानी कि पहले बात है भारत से जो पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, वो अगर रिटर्न करना चाहे, वो अगर रिटर्न करना चाहे तो आर्टिकल 7 के मुताबिक उसको मिलेगी भारत की नागरिकता विद सर्टेन कंडीशंस। और आर्टिकल 6 में सिर्फ बोला गया है जो पाकिस्तान वाली भूमि से भारत आया। यहां पर क्या था? यहां पर वो भारत में ही था, भारत से पाकिस्तान चला गया और बाद में फिर वापस भारत आया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स मैंने डिस्कस करे थे। यहां देखें आर्टिकल 9 क्या कहता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को एक्वायर कर चुका है, वहां अप्लाई कर चुका है और वहां रह रहा था, और उसको वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, तो यहां से वो उसकी नागरिकता, या सॉरी उसकी नागरिकता जो है, द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्सन विल बी टर्मिनेटेड, यानी कि उसको अब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 9 कहता है। तो नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया
बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम टू बी सिटीजन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और 8 अगर उसने अपनी इच्छा से एक्वायर कर ली है सिटीजनशिप किसी फॉरेन स्टेट की। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो वह अब भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा, भले ही उसको जो है आर्टिकल 5 या 6 या 8 के मुताबिक भारत की नागरिकता दी गई हो, ठीक है, या उसको माना गया हो। अगर आर्टिकल 5, ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूं, ध्यान देना, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना गया उसने अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो वह अब भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। तो आर्टिकल 9 ये कहता है। फिर आर्टिकल 10 में ये मेंशन किया गया कि जो आपको नागरिकता 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत जिन लोगों को भारत का नागरिक माना गया, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत जिनको भारत का नागरिक माना गया उनकी नागरिकता कब तक रहेगी, तो यहां मेंशन किया है जब तक आप विधि द्वारा बनाए कानूनों के अंतर्गत रहेंगे तब तक आपकी नागरिकता रहेगी, यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ योर सिटीजनशिप टिल यू आर अंडर लॉ। तो देखिए क्या कहते हैं, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक मान लिया गया है अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन, यानी कि आर्टिकल 5 से 10, 5 से इनफैक्ट यहां मैं करेक्शन कर देता हूं 8, अंडर आर्टिकल 5-8 शैल कंटिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक रहेगा सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट, संसद के बनाए कानून के अधीन। सब्जेक्टेड का मतलब क्या है, संसद इसमें कुछ फेरबदल कर सकती है, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स द राइट ऑफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी टेकन अवे, यानी कि नागरिकता का अधिकार आपसे नहीं लिया जाएगा किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसको नागरिक माना गया, एक्सेप्ट सिवाय पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, या तो संसद कोई कानून बनाए उस नागरिकता को लेकर के। तो आर्टिकल 10 स्पष्ट कह रहा है कि हमें 5 से 8 के अंतर्गत जिसको भारत का नागरिक माना गया वो भारत का नागरिक कंटिन्यू रहेगा, उससे उसकी नागरिकता कोई नहीं छीनेगा, ये उसका अधिकार है तब तक जब तक संसद उस पर कोई कानून कोई विधि ना बनाए कोई और। क्लियर है? सो ये आपके 10 आर्टिकल खत्म। अब हम 11th आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 11 कहता है, देखो सिटीजनशिप के बारे में संविधान ने कुछ नहीं बताया कि नागरिकता कैसे मिलेगी, सिर्फ उस चैप्टर में संविधान में ये लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक था। आर्टिकल 11 में ये मेंशन कर दिया संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, कि अब से पार्लियामेंट को हम ये पावर देते हैं कि वह कानून बनाए, प्रोविजन प्रावधान बनाए, किस चीज को लेकर, नागरिकता को लेकर। क्या नागरिकता को लेकर? क्या नागरिकता प्राप्त करना एक्विजिशन, या नागरिकता छीनना या हटाना या खत्म करने को लेकर के जितने भी कानून नियम हैं वो सब कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। तो नाउ पार्लियामेंट हैज गिवन द राइट टू मेक लॉज, यानी कि अब संसद को ये हम अधिकार देते हैं कि वो नागरिकता को लेकर के जो भी विधि बनाना चाहे या नागरिकता से संबंधित विधियों को बनाए, ठीक है। तो आर्टिकल 11 में हमने मेंशन कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। अब देखो, एनी पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ सिटीजन, ही मस्ट हैव रेजिडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो अब ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको एडिशनली रीड करने चाहिए, अगर आपको आर्टिकल 5-11 समझ में आ जाते हैं तो तब आप ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको रीड करने के लिए मैंने यहां मेंशन करे हैं। अच्छा, अभी ये तो आर्टिकल 5-11 की बात हुई, फिर अब आपके मन में होगा कि सर सिटीजनशिप को लेकर के तो आपने बताया नहीं कि नागरिकता कैसे मिलेगी, क्योंकि संविधान में तो दिया ही नहीं है। तो नागरिकता को लेकर जो कानून फिर बनाए गए संसद के द्वारा बनाए गए तो वो यहां पर है, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो इसने क्या प्रोवाइड कराया, नागरिकता दी जाएगी बाय बर्थ। कैसे दी जाएगी, बाय बर्थ। तो पहला ऑप्शन है, संविधान ने तो ये बताया नहीं, तो संसद ने जो नियम बनाए, संसद ने एक अधिनियम पास किया 1955, हालांकि इस अधिनियम में बड़े बड़े तौर पर मेजरली
बार अमेंडमेंट हो चुका है बेटा, कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, 6 टाइम अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, तो अब इस एक्ट में सबसे पहली कंडीशन आती है बाय बर्थ की, क्या आती है बेटा, बाय बर्थ। तो संसद ने पहला नियम यह बनाया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा है वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब उसमें कुछ कंडीशन क्या है, पर्सन बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब भाई, अगर कोई विदेशी राजदूत या कोई विदेशी फैमिली भारत में घूमने के लिए आई है या यहाँ रह रही है काम के सिलसिले में, व्हाटएवर, और उनकी फैमिली में किसी बच्चे का जन्म भारत में हो जाता है, तो उसको इस कंडीशन में एक्सेप्शनल में रखा गया है, यानी कि वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो मेंशन किया है, द चिल्ड्रन ऑफ डिप्लोमैट्स, राजदूत, एनिमी एलियंस, यानी कि जो एनिमी या एलियंस मतलब फॉरेनर के बच्चे हैं, उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये लाइन हटा दो, एक्सेप्शन यहां से लेके यहां तक, अब आप क्या पढ़ेंगे, पर्सन बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 26 जैन 1950 वुड, ये लाइन भी हटा दो, बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, बाय बर्थ, जन्म से मान लिया जाएगा। क्लियर है, ये हम इन जनरल पढ़ रहे हैं, अभी मैंने इसके कुछ केसेस नहीं बताए, इसके मैंने एक्सेप्शंस नहीं बताए, इसके मैंने अमेंडमेंट्स नहीं बताए अभी कि इसमें क्या क्या संशोधन हो चुके हैं। ओके, अच्छा, सेकंड क्या कहता है भाई, इसमें हमने तो जो पार्लियामेंट है उसने इस कंडीशन में उन लोगों को कवर कर दिया जिनका जन्म भारत में हुआ, पर उनका क्या, जिन भारतीयों के बच्चे विदेश में जन्मे हैं, जो भारतीय विदेश में काम कर रहे हैं और वहीं पर जो है उनकी फैमिली में बच्चे का जन्म हो गया, तो उनके लिए कैटेगरी नंबर 2 है, बॉर्न आउटसाइड इंडिया। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा है तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, कैसे, बाय डिसेंट, मेंशन कर देता हूं, बाय डिसेंट, वंशानुगत, उसके लिए भी कंडीशन है। उसकी कंडीशन क्या है, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसमें भी चेंजेस हो चुके हैं, ध्यान रखना, इसमें चेंजेस ये हो चुका है कि आइदर ऑफ द पेरेंट, आइदर ऑफ पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन, और अदर पेरेंट शुड नॉट बी इलीगल इमिग्रेंट। ध्यान देना मैंने क्या बोला, माता या पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। और उसमें एक और चीज समझा, अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है तो उसके लिए ये दो कंडीशन तो है ही, तीसरी कंडीशन ये भी है कि जन्म की तारीख से 1 साल के अंदर ही पेरेंट्स को अपने बच्चे को रजिस्टर कराना पड़ेगा वहाँ की काउंसिलर डिप्लोमेसी या वहाँ पर जो एम्बेसी है, वहाँ की भारतीय एम्बेसी में रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने माइनर चाइल्ड के बारे में, और इसमें मेंशन होगा कि इसको और किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है और मैं इसको भारत की नागरिकता दिलाना चाहता हूँ। बात समझ में आई, तो मैंने आपको बोला कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दो कंडीशन आ गई, बाई बर्थ जिनका जन्म भारत में हुआ, By descent जिनका जन्म विदेश में हुआ। अगर विदेश में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके लिए कंडीशन नंबर 1, 2 ये और 3 में मैंने क्या बोला, 1 साल के अंदर, जन्म के 1 साल के अंदर जो है आपको एम्बेसी में रजिस्टर कराना पड़ेगा, ये कहकर के इस बच्चे के पास और किसी देश की नागरिकता नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड कंडीशन जो पार्लियामेंट ने बनाई वो है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भारतीय मूल का निवासी अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन है, और कंडीशन है उसको कम से कम 7 साल भारत में जो है हुए हो, 7 साल को उस 7 साल का उसको पीरियड अपना दिखाना पड़ेगा भारत में, और ये 7 ईयर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं वो भी मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। पहली चीज, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता उसको मिलेगी जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का होगा। क्या होगा बेटा, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल का निवासी। उसको अगर भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई करना है तो कंडीशन क्या है, एप्लीकेशन डेट से इमीडिएटली,
12 महीने तो मिनिमम, 12 महीने तो मिनिमम वो कंटिन्यूअसली भारत में रहा हो, प्लस प्लस पिछले 8 साल में से 6 साल उसने कम से कम भारत में बिताए हो। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, अगर कोई भारतीय मूल का निवासी भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसकी कंडीशन 7 ईयर्स है। 7 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन की डेट से 12 महीने पहले तो वो कंटिन्यूअस भारत में रहा ही हो, प्लस उससे पहले, उस 12 महीने से पहले पिछले 8 साल, 12 महीने से पिछले 8 साल में से 6 साल एवरेज मिनिमम 6 साल भी उसने भारत में बिताए हो, तो 6 + 1 7 साल हो गए, तो ये कंडीशन है पंजीकरण की। फिर एक चौथी कंडीशन है नेचुरलाइजेशन। ये नेचुरलाइजेशन क्या कहता है, नेचुरलाइजेशन कहता है देशीयकरण कहता है। नेचुरलाइजेशन का मतलब है देशीयकरण। अगर कोई विदेशी, कोई एलियन भारत का नागरिक बनना चाहता है, जो विदेश के नागरिक हैं वो अगर भारत के नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने व्यवस्था करी है, कंडीशन रखी है नेचुरलाइजेशन फॉर द फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया। तो उसके लिए कंडीशन कितनी है, ये 7 ईयर्स हटा देना, 12 साल। कंडीशन कितनी है बेटा, 12 साल। अब ये 12 साल भी कैसे कैलकुलेट होंगे, बिल्कुल इस तरह से 12 यहां पर, और इसमें कंडीशन चेंज केवल इतनी होगी 14 में से 11 साल उसने कम से कम एवरेज बिताए हो, और 12 महीने तो एप्लीकेशन के दायर करने की डेट से पहले पूरे 12 महीने वो यहां रहा हो। ठीक है, तो दीज आर दी फोर कंडीशन। पहली बाय बर्थ है, दूसरी बाय डिसेंट है, तीसरी बाय रजिस्ट्रेशन, चौथी बाय नेचुरलाइजेशन, और पांचवा बहुत ही आसान है। अगर भारत किसी टेरिटरी को कैप्चर करता है, टेरिटरी को भारत में शामिल कर लेता है, जैसे हमने गोवा को भारत में शामिल किया, सिक्किम भारत का एक एसोसिएट स्टेट बना था, ऐसे पौंडीचेरी को भारत का जो है अंग बनाया गया फ्रेंच फ्रांस की सरकार से, है ना। तो ये जैसे ही कोई टेरिटरी भारत का हिस्सा बनती है तो उस टेरिटरी में रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हैं, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुड स्पेसिफाई सिटीजनशिप, तो ये आपकी जो नागरिकता है उनको प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, तो पांच तरीके से नागरिकता मिलती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, या किसी टेरिटरी को कैप्चर करके, इसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब अगर नागरिकता इन पांच तरीके से मिल रही है तो क्या नागरिकता को छीना भी जा सकता है? यस, आप कहेंगे नागरिकता छीनी भी जा सकती है, और उसकी कंडीशन है ये, सिटीजनशिप कुड बी लॉस्ट बाय, या तो टर्मिनेशन के द्वारा, जैसे अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता आप प्राप्त कर ली है तो सरकार यहां से आपकी नागरिकता टर्मिनेट कर देगी, या फिर रेनन्सिएशन के द्वारा, आप खुद ही आप अपनी नागरिकता त्यागना चाहते हैं, रेनन्सिएशन का मतलब होता है त्यागना, या फिर डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित कर देना, अगर सरकार को लगा कि आप एनिमी हैं, आप स्पाई हैं, है ना, तो आप जो है गलत इलीगल इलीगली भारत में आकर के यहाँ से नागरिकता प्राप्त करी है, तो ऐसे में सरकार ही आपसे आप नागरिकता छीन लेगी। सो पांच में नागरिकता मिलने की बात है, सिक्स में नागरिकता हटने की बात कहता है। तो आई थिंक सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। एक सातवां पॉइंट भी आप पढ़ लो, अ सिटीजन ऑफ अ कॉमनवेल्थ कंट्री वुड हैव द स्टेटस ऑफ अ कॉमनवेल्थ सिटीजन इन इंडिया। ये एक आपको स्टेटमेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट सिटीजनशिप, और यहां ध्यान रखना, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट बाय लॉ ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003 विच सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ड्यूअल सिटीजनशिप देने की उन लोगों को जो एनआरआईज हैं। ठीक है ना, ये रिकमेंडेशन आई थी सिंघवी कमेटी के ऊपर, और अमेंडमेंट 2005 में जो हुआ इसने, इट इज गिवन ओनली टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजन बट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर नॉट इंक्लूडेड इन पीआईओ। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप जरूर नोट करें। ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या बोला यहां पर, तो ये तो चीज क्लियर है ही, पार्लियामेंट के पास तो पावर है ही नागरिकता को लेकर के, हर तरह की पावर है, जो भी उसको विधि बनानी है, लॉज बनाने हैं, उन सिटीजनशिप को लेकर के कोई भी मुद्दा है, डिस्प्यूट है, मैटर है, वो सब पार्लियामेंट देखेगी। फिर पार्लियामेंट ने जो सिटीजनशिप के को लेकर के एक्ट पास किया था 1955 का, उसमें कई बार अमेंडमेंट हो चुका है, तो उन्हीं में से एक अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं वो 2003 में, और उसमें मेंशन क्या कर दिया है कि सरकार ने अब ड्यूअल सिटीजनशिप भी लागू कर दी है, यानी कि कोई व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, काम कर रहे हैं, उन एनआरआईज के लिए ये ड्यूअल सिटीजनशिप उन्होंने
मेंशन करती है, और यहां लिखा है पीआईओ में पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं आएगा, भारतीय मूल के निवासी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नहीं आएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिटीजनशिप। आई थिंक सो कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। देखो भारत के संविधान का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं बेटा आर्टिकल 12 से लेके 35, ये जो चैप्टर है इसमें एक वर्ड लिखा है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, विच आर वेरी असेंशियल, वेरी असेंशियल टू लिव। ये ऐसे राइट्स हैं जिनके बिना जीवन यापन करना मुश्किल है, आप कल्पना नहीं कर सकते इनके बिना जीवन यापन करना। प्लस दूसरा, इन केस ऑफ वॉयलेशन, इन केस ऑफ वॉयलेशन, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इवन आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ध्यान देना मैंने क्या बोला, अगर कोई आपसे आपके मौलिक अधिकार को छीनता है, वॉयलेशन करता है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये इस वजह से भी फंडामेंटल हुए, सब्सटेंशियल हुए। यू कैन इवन गो अगेंस्ट द स्टेट, गो अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, आप स्टेट के खिलाफ जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकते, अमेंड नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, दे कैन बी अमेंडेड, अमेंडमेंट पॉसिबल है, अमेंडमेंट इज पॉसिबल, रिस्ट्रिक्शन इज पॉसिबल, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन भी बेटा लग सकते हैं, सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, सस्पेंड भी पॉसिबल है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल अगर आप देखें तो इट वर 7, लेकिन अब एट प्रेजेंट 7 ही फंडामेंट, सॉरी 6 फंडामेंटल राइट रह चुके हैं। कितने, 6, 6 फंडामेंटल राइट, पहले कितने थे बेटा 7, अब कितने हैं 6, यानी कि एक जो हटा, यानी कि उसमें अमेंडमेंट हुआ है और उसको डिलीट कर दिया है, उसको शिफ्ट कर दिया है, आर्टिकल 300A में डाल दिया है, वो हम पढ़ेंगे अभी। फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे ज्यादातर नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, अभी आप जब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स तो उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट्स ज्यादा आपको मेंशन दिखेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, दीज फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको पहले दो पॉइंट में बताया। इनके फीचर्स मैंने आपको बताया कि आप राज्य के खिलाफ भी इनको लागू करा सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं दैट दे आर जस्टिसिएबल। ये क्या है बेटा, जस्टिसिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, कैन बी अमेंडेड, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, कैन बी सस्पेंडेड, क्लियर है। और इसमें नेगेटिव कंसेप्ट कैसे हैं वो हम एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, वो आपको पता चलेगा। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनमें से आप जब पढ़ेंगे तो 15, 16, 19, 29 और 30 टोटल फंडामेंटल राइट्स के बारे में आर्टिकल 12 और 35 के बीच में दिया हुआ है। तो उनमें से जो 15, 16, 19, 29 और 30 हैं, ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल है, ओनली फॉर सिटीजन्स, ये किसी फॉरेनर के लिए अवेलेबल नहीं है। जबकि आर्टिकल 14, 20 से 28, ये कुछ इवन 32 भी हम कह सकते हैं, ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो फॉरेनर को, और ये दोनों के लिए अवेलेबल है बोथ, ठीक है, ये फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है, क्लियर है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको यहां पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताई, अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है, द वर्ड स्टेट इज डिस्क्राइब अंडर दिस आर्टिकल, यानी कि राज्य किससे मिलकर बनता है, जहां विधायिका हो, प्रशासन हो, जहां पर लॉ मेकिंग बॉडी हो, जहां पर कोई सरकारी अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं हो, तो इंडियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली टाइप गवर्नमेंट हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, लोकल बॉडीज, ध्यान रखना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब लोकल बॉडीज हो, ओएनजीसी सरकारी संस्थाएं, ओएनजीसी जैसे सरकारी संस्थाएं, आरबीआई जैसी सरकारी संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडीज हो,
इन सब से मिलकर के राज्य बनता है। तो यहां पर राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है। आर्टिकल 13 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आर्टिकल 13 मेंशन करता है, अगर मानो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ पास हुआ, तो उस लॉ को चेक करना कि कॉन्स्टिट्यूशनली दैट इज राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, तो ये अधिकार किसका है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार के द्वारा जो कानून पास किया गया है उसने हमारे मौलिक अधिकार का वॉयलेशन किया हो। तो क्या कोई है जो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? यस, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। क्यों, कैसे कह सकते हो? आर्टिकल 13 से। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। कैसे? इट चेक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट विच इज पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा सेंट्रल लेजिस्लेचर भी है, ध्यान रखना। मैंने क्या इसमें लिखा क्या है? सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। कैसे? ये चेक करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, यानी कि वो मैंने यहां मेंशन किया ना, वो सही है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ जो सरकारों ने पास किया है वो सही है या गलत है, उसको चेक करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, तो इट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। तो जो सुप्रीम कोर्ट उन लॉज को चेक करती है, इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल मतलब न्यायिक, रिव्यू माने समीक्षा। और किसी फ्रेंच फिलोसफर, एक फ्रेंच फिलोसफर थे जिनका नाम था मोंटेस्क, उन्होंने ही सबसे पहले ये जुडिशियल रिव्यू की थ्योरी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज पास बाय द गवर्नमेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है जो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। कैसे? सरकार के द्वारा जो भी कानून, पॉलिसीज, लॉज बनाए जा रहे हैं उनकी संवैधानिकता चेक करना कि वो सही है या गलत। तो दिस इज आर्टिकल 13। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 13 में जब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, तो इसमें जो लॉ वर्ड मैंने लिखा है, ये लॉ में क्या क्या आता है, तो यहां पर थोड़ा सा डिटेल में आप देखें। ऑल द लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वॉयड। पहले तो यहां मेंशन कर दिया है कि जितने भी कमेंसमेंट से पहले के जो लॉज थे उसको एक तो वॉइड कर दिया है। दूसरा, राज्य ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकार को हटाए, हमारे मौलिक अधिकार छीने। तीसरा, जो वर्ड लॉ है उस वर्ड लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें ऑर्डिनेंस भी शामिल है, ऑर्डर भी शामिल है, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। कल की डेट में ऐसा ना हो कि कोई ऑब्जेक्शन कर दे या सरकार बोले कि भैया जुडिशियल रिव्यू लॉ पे लगेगा, मैंने तो अमेंडमेंट किया, मैंने तो ऑर्डिनेंस पास किया, मैंने तो रूल बनाया, मैंने तो बाय लॉ पास किया। तो इस लॉ के अंतर्गत जब हम लॉ को, लॉ वर्ड को डिफाइन करते हैं, तो लॉ वर्ड में ये सब आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आर्टिकल 13 का 4 क्या कहता है? 1971 में 24वें संशोधन के द्वारा एड किया गया था, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। यानी कि आप संसद ऐसा ना करे कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 368 क्या है? संसद की अमेंडमेंट करने की शक्ति। तो अंडर आर्टिकल 368 संसद कहीं अमेंडमेंट करके जो है इसमें कुछ चेंजेस कर दे, कुछ ऐड कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये मेंशन कर दिया। तो आर्टिकल 13 के जो क्लॉज है वो भी मैंने यहां पर आपको डिस्क्राइब करे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। देखो, मैंने नोट करके पहले तो लिख दिया है 7 फंडामेंटल राइट्स थे और अब केवल 6 ही बचे हैं। तो कौन सा हट गया? राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है और इसको अंडर आर्टिकल 300A शिफ्ट कर दिया गया है, 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। और देखो फिर मैंने लिखा है ये आर्टिकल्स केवल भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल है, जबकि ये सारे आर्टिकल्स आपके दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो ये हमने, मैंने कुछ दो पॉइंट्स अलग से मेंशन भी करे हैं, आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पहला फंडामेंटल राइट जो है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानता। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, समाज में समानता लाने की बात करते हैं, तो आर्टिकल 14 यही कहता है। सबसे पहले आर्टिकल 14 में लिखा क्या है? हमारे पहला फंडामेंटल राइट में आर्टिकल्स कवर है 14 से 18, ये ध्यान रखना।
अगर कोई पूछे जो छह फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, तो पहले फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 14 से 18, जिसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई नेता अभिनेता ऊंचा नीचा अमीर गरीब महिला पुरुष किसी भी धर्म जाति का हो, हम किसी में भी भेदभाव नहीं करेंगे। अब देखो नहीं करना नॉट वर्ड आ गया, तो यहां से आप देखना फंडामेंटल राइट्स में नॉट वर्ड का यूज ज्यादा किया गया है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स ज्यादा है। नेगेटिव का मतलब नॉट वर्ड का यूज किया गया है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी कि इसका मतलब क्या है, कानून के सामने सब बराबर हैं सिवाय इनको छोड़ के, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ आप कोई FIR नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन है। इसको भी समझते हैं क्या है अभी। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी डन अगेंस्ट देम, नो अरेस्ट नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड पावर, इवन फॉरेन डिप्लोमैट्स यूएनओ एजेंसीज इंजॉय इम्यूनिटी। देखो यहां पर कहना क्या चाह रहा है, वैसे तो आर्टिकल 14 के दो क्लॉज है, 14(1) एंड 14(2), समझना ध्यान से, आर्टिकल 14 के बेटा दो क्लॉज हैं 1 और 2, और दोनों क्या कहते हैं, पहला ये कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। आपने देखा होगा कि कानून जब कोर्ट में जाते हैं तो एक लेडी के आगे जो पट्टी बंधी है वो उसको क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि हम ये नहीं देखेंगे कि सामने नेता है या अभिनेता है या बड़ा है या छोटा है, महिला है पुरुष है, किस जाति धर्म को बिलोंग करता है, हम न्याय करेंगे। तो यहाँ पर चलेगा रूल ऑफ लॉ, क्या चलेगा बेटा, यहाँ पर चलेगा रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। वहीं पर आर्टिकल 14 का 2 ये भी कहता है कि भाई देखो हमें कुछ बातों का ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर हमें सच में रैशनल रिजल्ट चाहिए, रैशनल समझते हैं, रैशनल रिजल्ट चाहिए अगर हमें, तो उसके लिए हमें परिस्थितियों को भी ध्यान में रख करके न्याय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने केवल पत्थर की लकीर मान करके न्याय कर दिया, सबने मर्डर किया, किसने मर्डर किया तो सबको ही फांसी। अगर हर कोई अगर मर्डर कर रहे हैं, कोई किसने कत्ल किया, किसने किसी को मारा, तो हर एक को फांसी की सजा दी जाएगी। परिस्थितियों के मुताबिक चीजें अप डाउन होती हैं। तो यहां पर बोला जाता है, इसको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या मतलब हुआ, 14 का 1 कहता है हमें इक्वल अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, सबको बराबर, कानून के सामने सब बराबर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करनी चाहिए। यहां यह कह रहा है, मेंशन कर रहा हूं बेटा ध्यान देना, यहां कह रहा है अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, और यहां कह रहा है इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड। कैसे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सांसद और एक आम आदमी को दोनों को आप बराबर के स्तर पर पे रख सकते हो? नो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ग्रेजुएट बच्चे को, किसी 12th क्लास के बच्चे को, किसी 10th क्लास के बच्चे को, सबको एक जैसा मैथ्स का पेपर दे दिया जाए? सही नहीं होगा। मानो ओलंपियाड्स हो रहे हैं, ओलंपियाड्स में हमने 10th वाले बच्चों को, 6th क्लास के बच्चों को, सबको एक जैसा पेपर दे दिया, क्योंकि दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तो दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो यही कहलाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हाँ, अब यहां पर एक वर्ड में एक लाइन और जोड़ रहा हूं, भले ही कानून के सामने सब बराबर हैं, बट ऐसा पॉसिबल है किसी व्यक्ति को उसके पोस्ट की वजह से कुछ इम्यूनिटी मिल सकती है, पोस्ट की वजह से मिलने वाली इम्यूनिटी। जैसे पहली चीज, हमारे देश में राष्ट्रपति और गवर्नर जो पद है उनके खिलाफ कोई FIR तो हो ही नहीं सकती, FIR नहीं हो सकती, ठीक है, वो उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। यहां तक कि जितने भी MP और MLA हैं उनके खिलाफ भी कोई सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, ये उनको इम्यूनिटी मिली है उनके पोस्ट की वजह से। ऐसे ही जो राजदूत हमारे देश में रह रहे हैं, जो UNO एजेंसीज के जो मेंबर्स हैं भारत में हैं, तो उनको भी ये इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रिविलेजेस कह सकते हो कि उनको उनके पोस्ट पद की वजह से मिलने वाले विशेष अधिकार। ये एक्सेप्शंस हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ के, अदरवाइज इक्वालिटी बिफोर द लॉ सेज दैट कानून के सामने सब बराबर हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये जो आर्टिकल 14 है
समझ में आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा। देखो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया नोट करके, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स ऑल आर इक्वल, नो प्रिविलेज टू एनी पर्सन, इट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश लॉ, जब ये आर्टिकल 14 का वन है। जबकि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स दैट राइट्स गिवन अकॉर्डिंग टू लॉ ट्रीट इक्वली इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये टेकन फ्रॉम अमेरिकन लॉ, ये आर्टिकल 14 का टू है। सो यहां मैंने अभी आर्टिकल 14 तक जो मैंने आपको पढ़ाया, यहां तक आप पहले कवर करके आए, रादर देन मैं एकदम से सारी चीजें एक्सप्लेन करूं, छोटी छोटी क्लासेस को आप समझें, अपने नोट्स बनाएं, उसको रीड करें, उसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिखें और फिर धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, तब जाके कि मैं आगे के आर्टिकल्स की भी आपके संग जो है डिस्कशन करूँगा। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 15 से। तो फिलहाल आर्टिकल 1-14 हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। जय हिंद एवरीवन।